जो हमने अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें ना एक टॉपिक रह गया हमारा, वो है सीड। सीड जैसे नॉर्मली सबको पता है बीज, यही होता है, बीज ही कहते हैं सीड को। तो एक्चुअल में सीड है क्या चीज? ये ना एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिससे ना आगे फर्दर जो प्लांट है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अ सीड इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट विच कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट। किस लिए यूज़ होता है? इसे न्यू प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। अब अगर हम टाइप ऑफ सीड की बात करें तो अगर हम नॉर्मली देखें तो सीड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मोनोकॉटिलेडन्स जिसमें एक ही कॉटिलेडन होता है, एक होते हैं डाइकॉटिलेडन, इन्हें हम डाइकॉट भी कहते हैं, इन्हें मोनोकॉट कहते हैं। मोनोकॉट यानी कि मोनोकॉटिलेडन्स, डाइकॉट मतलब डाइकॉटिलेडन्स। अब मोनोकॉटिलेडनस सीड्स कौन से होते हैं? ये वो सीड होते हैं जिसके अंदर केवल एक कॉटिलेडन होता है। अब एक कॉटिलेडन के लिए एग्जाम्पल देख लो, तुमने मक्का देखी है, मेज, ठीक है, मेज, जो मेज है उसके अंदर ना केवल एक ही पार्ट होता है बस, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें राजमा की बात करें तो राजमा को अगर देखें तो खुल जाता है दो पार्ट में खुल जाता है, वो डाइकॉटिलेडन है। लेकिन मेज जो है उस तरह से, मक्का भुट्टा जो है उस तरह से दो पार्ट में नहीं खुल सकता, तो वो क्या है, मोनोकॉटिलेडनस है, ठीक है। तो अब इसमें आए थे पार्ट्स ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इन्हें हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ ये पार्ट होता है सीड का, बस इतना। एक सीड कोट होता है, उसमें एक एंडोस्पर्म होता है जो फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, एल्यूरन लेयर है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन की लेयर होती है, ये सेपरेट करती है किसको, एम्ब्रियो को सेपरेट करती है। एक होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो तुम्हें पता ही है, जो बेबी प्लांट होता है दैट इज एम्ब्रियो। स्क्यूटलम, स्क्यूटलम को क्यूटलम भी कहते हैं, एस साइलेंट होता है जनरली, ठीक है, स्क्यूटलम या क्यूटलम, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सेस, एम्ब्रियोनल एक्सेस वो होता है जहाँ से प्लिम्यूल और रेडिकल निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉल्यूपटाइल एंड कॉल्योरिजा, ठीक, ये फिलहाल हमारे काम की चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा था, बस एक तो एम्ब्रियो पता होना चाहिए, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सेस पता होना चाहिए। वैसे जब हम डाइकॉटिलेडन्स पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, इसमें मेरे पास कोई डायग्राम है नहीं, बट मैं इसके साथ एक अटैच वीडियो दूंगा, तो उस वीडियो में ना तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें सब कुछ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ भी इसमें से, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो है डाइकॉटिलेडनस जो प्लांट सीड्स हैं उनमें। सीड कोट, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, जो फ्रूट वॉल है उसके साथ फ्यूज होता है, उसके साथ अटैच्ड होता है। एंडोस्पर्म, द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। एक्चुअल में जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट के कंपैरिजन में जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट का जो एंडोस्पर्म है वो बल्की होता है, थोड़ा मोटा सा होता है। एल्यूरन लेयर, इट इज़ अ प्रोटीनियस लेयर, प्रोटीन की बनी हुई लेयर है विच सेपरेट द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो को सेपरेट करेगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एम्ब्रियो, इट इज़ अ स्मॉल, द एम्ब्रियो इज अ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म होगा उसके एक एंड पे छोटा सा पार्ट होगा एम्ब्रियो। अब जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट में एम्ब्रियो क्या होता है, बड़ा होता है, कंपैरेटिवली बड़ा होता है, लेकिन मोनोकॉट में एम्ब्रियो क्या होता है, छोटा होता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस भी हो जाता है।